मैं केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मोदी जी का स्वागत करने की कृपा करें। मोदी स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं आपके लोकप्रिय सांसद माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी से निवेदन करूंगा, आकर के स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय प्रहलाद पटेल जी, रानी दमयंती की धरती पर भगवान जागेश्वर नाथ और कुंडलपुर के बड़े बाबा और रुक्मणी देवी के इस पवित्र स्थल पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं मंच की तरफ से और सामने बैठे हुए सभी की तरफ से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि आज हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए। 32 साल बाद कोई प्रधानमंत्री दमोह की धरती पर आए और वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि मेरे दूसरे कार्यकाल के समापन के पूर्व उनका आगमन हम दमोह वासियों के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए बेहद उत्साह की बात है। ये दमोह की धरती 1842 की क्रांति का केंद्र रहा है, जहां पर अंग्रेज दो बार हारे। ये दमोह की धरती फसिया नाले की उस क्रांति का भी प्रतीक है, जहां पर 6 महीने के बच्चे का भी बलिदान की श्रृंखला में खड़ा किया गया था। हम आस्तिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जितने मजबूत हैं, 300 साल पहले संत जुड़ीराम जैसे निर्गुण संत, उनका यहाँ पर रहना और एकबार समाज की वो विभूति, उनके मुकाबले आज भी कोई निर्गुण कभी देश में नहीं हुआ। रमा मिस्त्री जैसे साहित्यकार इस धरती पर 125 वर्ष पहले पैदा हुए, आज भी वो साहित्य की परंपरा यहाँ की हमारी जीत है। मैं एक बात जरूर कहूँगा और मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि बुंदेलखंड पानी की कमी के कारण जाना जाता था, आपके आशीर्वाद से जल जीवन मिशन ने यहाँ 70% की सफलता अर्जित की है। मैं चाहता हूँ दमोह वासियों को तालियां बजाकर हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री के हृदय से अभिनंदन और स्वागत करें। और मुझे लगता है कि आज हम सब गर्व के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आज अभिभूत हूँ कि मेरे इस कार्यकाल में आपका पदार्पण दमोह की धरती पर हुआ है। आज तक कोई भी ऐसे अवसरों पर इस जिले में नहीं आया, आप पधारे। मैं अपनी तरफ से, मेरे दमोह लोकसभा क्षेत्र की तरफ से, हमारे सभी उम्मीदवार और मध्य प्रदेश सरकार के हमारे माननीय मंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री सहयोगी डॉक्टर साहब की तरफ से आपका आभार और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, भारत माता के सच्चे सपूत, जिन्होंने भारत माता को परम वैभव में ले जाने के लिए और पुनः भारत को विश्वगुरु बनाने के लोग अग्रसर हैं, ऐसे लाडले प्रधानमंत्री, जन जन के प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय मोदी जी, मोदी भारत माता की, भारत माता की, जागेश्वर नाथ की, जागेश्वर नाथ की। सभी जनों को हमारी तरफ से राम राम पहुंचे। दमोह में एक तरफ जैन तीर्थ कुंडलपुर
और जागेश्वर धाम है, वहीं दूसरी तरफ ये आला उदल की शौर्य भूमि भी है। ये नारी शक्ति की प्रेरणा रानी दुर्गावती और अवंती बाई की भी कर्मस्थली रही है। इस पावन धरा पर आप सभी मेरे परिवारजन और आप सभी मेरे परिवारजनों का दर्शन प्राप्त करना, इससे बड़ी और खुशी जिंदगी में क्या हो सकती है। यहां आपका इतनी बड़ी संख्या में आना हम सभी पर अपना स्नेह बरसाना, आशीर्वाद देना, 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों का ऐलान कर रहा है। आज दमोह कह रहा है, पूरा मध्य प्रदेश कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है, एक बार फिर मेरे परिवारजनों, आप सभी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में आज भारत का परचम लहरा रहा है ना, पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है ना, आपको गर्व हो रहा है। आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का गौरवगान हो रहा है। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। भारत में हुए G20 सम्मेलन की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। भारत के युवा बेटिये बेटियों खेल के मैदान में आज नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। भारत की एक गाथा बुंदे ले हर बोलो, भारत की एक गाथा बुनने ले हर बोलो, ये हम बचपन से सुनते थे और एक गाथा आज हम दुनिया को सुना रहे हैं। भारत का ये गौरवगान संभव न हो पाता अगर एमपी का इतना आशीर्वाद मुझ पर न होता। ये आपका स्नेह, आपका प्यार और इसी के कारण गांव के लोग हो या शहर के लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो, पुरुष हो या स्त्री हो, लोग यही कहते हैं एमपी के मन में और मोदी के मन में और मोदी के मन में और मोदी के मन में। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी है। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी के मन में मोदी के लिए अपार प्यार है, क्योंकि मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेवक है। आपका जीवन बेहतर हो,
आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, यही मेरी प्राथमिकता है। देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, इतने वर्षों से कांग्रेस देश से एक ही झूठ बार बार बोलती आ रही है, देश से गरीबी खत्म करने का नारा देती आ रही है, लेकिन कांग्रेस कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की नीयत ठीक नहीं थी। कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होते गए। आज केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, भाजपा के सेवा काल में देश गरीबी से बाहर निकल रहा है, अपनी गरीबी दूर कर रहा है। मेरे परिवारजनों, आज पूरी दुनिया भारत में हो रहे विकास की चर्चा कर रही है। 2014 में जब हम सरकार में आए, हमारा सेवा काल शुरू हुआ, आपके आशीर्वाद से 2014 में हमारा सेवा काल प्रारंभ हुआ, तब हमारा देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर की आर्थिक ताकत था। हमारी अर्थव्यवस्था जब 10वें नंबर से ऊपर होने लगी, तब उतनी चर्चा नहीं हुई। हम 9 से 8 पर पहुंचे, हम 8 से 7 पर पहुंचे, हम 7 नंबर से 6 नंबर पर पहुंचे, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम 6 नंबर से 5 नंबर की अर्थव्यवस्था बने, हर कोई इसी बारे में बातें करने लगा, अखबारों में लेख छपने लगे, टीवी पे डिबेट होने लगी, क्योंकि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया जिसने हम पर 200 साल तक राज किया था। सेवा भाव से, समर्पण भाव से काम करते हैं तो 10वें से 5 नंबर पर पूरी ताकत के साथ पहुंच भी जाते हैं। और ये मोदी ने आपको गारंटी दी है, मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए। जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। हमारी गारंटी खजाने लुटाने की नहीं होती है, हमारी गारंटी देश को आन बान शान के साथ आगे ले जाने की होती है। हमारी गारंटी वोट बटोरने की नहीं होती है, हमारी गारंटी मेरे देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाने की होती है। साथियों, जब किसी देश का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ता है तो उसके नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ता है, उसके नागरिकों की कमाई बढ़ती है। जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो गरीबों पर खर्च करने के लिए
देश के पास पैसे भी ज्यादा आते हैं। इसलिए आज का ये समय कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कुर्सी कब्जा करने का खेल खेलती है। कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं, राज्य का विकास जरूरी नहीं, कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी है। और कांग्रेस का हाल देखिए, 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम, क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट थे। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था, जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, गरीबों का पैसा लूटने के लिए कांग्रेस ने खास मशीन बनाई थी। आपको पता है कांग्रेस ने खास मशीन बनाई थी, आपको मालूम है? मैं बताऊं, एक बार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया था। वो मशीन ऐसी थी जिसमें सरकार अगर 100 रुपये भेजती थी तो उसमें से 85 रुपये सीधे कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में पहुंच जाते थे, सिर्फ 15 रुपया लोगों के पास जाते थे। ये उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो मैंने कहा था कि ऐसे तो कभी मैं चलने नहीं दूंगा। तो मैंने सबसे पहले कांग्रेस की इस भ्रष्ट मशीन के सारे टायर पंचर कर दिए। हमने आधार, मोबाइल और बैंक खातों की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस की भ्रष्ट मशीन टिकी नहीं पाई। और फिर देशवासियों को आज की तारीख भी याद है जब भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। जो लोग नोटे के गद्दों पर सोते थे उनकी नींद उड़ गई थी, और देश का गरीब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होते देख मोदी का जय जयकार कर रहा था। इसलिए आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिलबिलाती है, ऐसे बिलबिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई
उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100-100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर है उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना, ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। मुझे जरा आप बताइए, दमोह के मेरे भाइयों बहनों, इतनी तादाद में आप आए हैं, ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं, लेकिन मुझे प्यार से सच्चा बता दीजिए, क्या मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए, भ्रष्टाचारियों ने जो लूटा है वो देश को वापस मिलना चाहिए, जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये आपके आशीर्वाद है ना? मुझे यही आशीर्वाद मेरी ताकत है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ही आपने मुझे इस सेवा के लिए जन्म दिया है। साथियों, आज मजाल है कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए पैसा भेजे और कोई पंजा बीच में से उसको लूट जाए, वो जमाना चला गया। इसी साल मध्य प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे हैं। इसमें से एक भी पैसा कोई पंजा लूट नहीं पाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो यहां सरकार में नहीं है। अगर गलती से भी कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार में आ गई तो हर काम में 85% कमीशन तय है। ये उनके एक प्रधानमंत्री 85% तय करके गए, फिर न यहां विकास होगा और न ही कोई काम होगा। कांग्रेस फिर से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना देगी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को, कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब का विकास है, गरीब का कल्याण है। हम बहुत नेक नियत से आपके जीवन की हर परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसलिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। आप जरा बताएंगे कितने घर? जरा इधर से आवाज आएगी, कितने घर बना के दिए गरीबों को? कितने घर दिए? माताएं बहनें जरा बताइए, कितने घर दिए? कितने घर दिए? राम मंदिर बनाया, ये तो याद है। 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, ये भी याद रखिए। पहले करोड़ों देशवासी खुले में शौच के लिए मजबूर थे, इसलिए हमने शौचालय की इज्जत घर की सुविधा दी। पहले देश के करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में लोग बिना बिजली के अंधेरे में रह रहे थे। भाजपा सरकार ने ऐसे 2.5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया। हमारे देश के गरीब परिवार की माताओं बहनों के जीवन में तो सिर्फ धुआं ही धुआं था, हमने उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। महंगे इलाज के कारण गरीब और गरीब हो रहा था, इसलिए भाजपा ने गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी।
जब कोरोना इतना बड़ा संकट आया तो ये हमारी सरकार है जिसने हर गरीब को मुफ्त वैक्सीन लगवाई। वो वैक्सीन विदेश में लोगों को कई कई सौ रुपये से भी लग नहीं पाती थी, वो काम आपके बेटे ने मुफ्त में वैक्सीन लगा करके किया। आप मुझे बताइए, आप लोगों का वैक्सीन लगा था कि नहीं लगा था? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, लगा था कि नहीं लगा था? क्या आपको एक रुपया देना पड़ा था क्या? कोई पैसा देना पड़ा था क्या? या आपका बेटा आपकी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता था कि नहीं करता था? साथियों, ये मोदी है जो अपने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की गारंटी दे रहा है। कितना बड़ा संकट का वो काल था, दुनिया भर के लोग परेशान थे, मौत मंडरा रही थी, कोरोना ने डरा कर रखा था, घर से काम पर जाना भी मुश्किल था, अरे बेटा भी माँ के कमरे में जाने से डरता था कहीं कोरोना माँ को न लग जाए, बेटा भी चिंतित रहता था। वो दिन थे तब आपका बेटा दिल्ली में बैठे बैठे दिन रात आपकी चिंता करता था, और इसलिए मैंने तय किया था संकट कितना भी भयंकर क्यों ना आ जाए, मैं गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, मैं किसी गरीब माँ का बच्चा भूखा सोने नहीं दूंगा, मैं किसी के घर में भूख की आवाज सुनाई दे वो दिन हिंदुस्तान में आने नहीं दूंगा, और इसलिए 80 करोड़ लोगों को अन्न मुफ्त में देने का काम शुरू किया। भाइयों बहनों, ये योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, अब बताइए मुझे इस योजना को आगे चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, ये गरीबों को मुफ्त अनाज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये दिसंबर के बाद भी मिलते रहना चाहिए कि नहीं मिलते रहना चाहिए, इससे गरीब को मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? भाइयों बहनों, मैंने निश्चय किया कि मैं इन 80 करोड़ लोगों को अब आने वाले 5 साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का मेरा निश्चय है। बताइए मैंने सही किया कि गलत किया? सही किया कि गलत किया? मुझे निश्चय अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपने मुझे अच्छा संकल्प करने के लिए बिठाया है ना, तो करना चाहिए ना। अब ये कांग्रेस वालों के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, 2 दिन से लगे हैं इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, मोदी के खिलाफ शिकायत करेंगे, वो गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात कर कैसे सकता है, मोदी अपने आप को समझता क्या है? अरे भाई तुझे जो करना है कर ले बाबा, मेरे तो गरीब मेरे हैं, मैं तो उनके लिए जो करता हूँ जो सजा मिल जाए भुगत लूंगा, लेकिन गरीबों का काम मैं नहीं छोड़ूंगा, गरीबों की सेवा करना मैं नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस वालों को जो करना है वो करते रहे, वो अपना पाप करते रहे, मैं मेरा पुण्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, मेरे परिवारजनों, भाजपा का प्रयास सिर्फ सुविधाएं जुटाने का सीमित नहीं है, हम गरीब एससी एसटी ओबीसी परिवारों को उनकी शिक्षा और कौशल के लिए भी अवसर दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता उनके लिए तो अपने बेटे बेटियों से आगे कुछ दिखता ही नहीं है, उनको अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है, मेरे लिए तो आप सब मेरे परिवारजन है, आपके बेटे का कल्याण वही तो मेरे देश का कल्याण है। आज भी यहाँ एमपी में कांग्रेस में यही खेल चल रहा है, गांव का गरीब का दलित पिछड़े आदिवासी परिवार का बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहा, कांग्रेस को परवाह ही नहीं थी, कांग्रेस ने अंग्रेजी में मिडिल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अनिवार्य बनाया, मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आया ताकि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, हमने स्थानीय भाषाओं में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प दिया, इसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है,
लेकिन कांग्रेस की सोच क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रोक लगा दी। वो नहीं चाहती कि गरीब के आगे बढ़ने के रास्ते में भाषा की दीवार खत्म हो। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब को स्कूल से ही लैब की ट्रेनिंग मिले। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे भी स्पोर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में आगे आए। यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मौका मिला तो उसका हर फैसला गरीब के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए होगा। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, मैं एमपी के बुंदेलखंड के सभी युवा साथियों से, मेरे विशेष करके फर्स्ट टाइम वोटर से एक बात कहना चाहता हूं, जो पहली बार मतदान करने के लिए जाने वाले हैं। देखिए, आने वाले 25 साल, आज जो 18-20 साल के नौजवान है ना, आने वाले 25 साल आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये 25 साल विकसित भारत के निर्माण के भी है। आपके माता पिता को कांग्रेस ने जो कठिनाइयां दी, जिन मुसीबतों में आपके माता पिता को जीना पड़े, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको उन मुसीबतों से जीना पड़े। आपको अच्छी जिंदगी कैसे मिले, दिन रात मेहनत करके मैं आपकी जिंदगी को मुसीबतों से मुक्त कराना चाहता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे नौजवान, आप जरूर सतर्क रहना, क्योंकि ये कांग्रेस वाले ऐसे ऐसे खेल करते रहते, उनको झूठ करना, झूठ बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस क्षेत्र में कांग्रेस को करीब 60 साल मौका दिया था, 60 साल, फिर भी बुंदेलखंड को कांग्रेस ने सिर्फ सुखा दिया, पलायन दिया। अब भी कांग्रेस के पास वही लोग हैं जो पिछले 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं। उनके ही कारनामों और करतूतों के कारण एमपी बेहाल था। और जहां मौका मिल भी रहा है वहां कांग्रेस ने कर क्या लिया? छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी है और राजस्थान में काले कारनामों की लाल डायरी है। सट्टा सरकार, मुख्यमंत्री के कमरा और सट्टा, और सट्टेबाज कह रहा है मैंने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया दिया है। क्या आप मध्य प्रदेश को ऐसा हाल करना चाहते हैं? क्या ऐसी बर्बादी चाहते हैं? क्या कांग्रेस का मतलब ही है बर्बादी की गारंटी? भाइयों, वहां की जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए खुद सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटका में भी झूठे वायदों की झड़ी लगा दी थी। कांग्रेस ने वहां चुनावों से पहले वादा किया था कि महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएंगे। माताएं बहनें आज भी इंतजार कर रही हैं कि उनका पैसा कब खाते में आएगा। साथियों, ये कांग्रेस भी जानती है कि एमपी का युवा इनके भ्रष्ट और अक्षम ट्रैक रिकॉर्ड पर विश्वास नहीं करता, इसलिए ये लोग झूठ का पिटारा लेकर घूम रहे हैं। इन लोगों के रेडियो पर हमेशा एक ही ट्रैक बजता है, 2018 में जो झूठ बांटा था वही नए लिफाफे में लेकर के वो आ गए हैं। ये कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अरे 2018 में 10 दिन में किसानों का कर्ज माफी का वादा करके गए थे, 15 महीना आपको मौका मिला था, किसान इंतजार करते रहे, आपने कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने बरसों तक किसानों को ठगती रही है। वही डबल इंजन सरकार में हर किसान को 12,000 रुपए की गारंटी मिली है। केंद्र सरकार के साथ साथ एमपी सरकार भी किसानों के खाते में 6,000 रुपए भेज रही है। कांग्रेस का समय होता तो ये पैसा दिल्ली से चलता तो भी किसानों तक नहीं पहुंच पाता। मेरे परिवारजनों, बीते वर्षों में बुंदेलखंड में सिंचाई की सुविधा के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। दमोह जिले में ही 150 से अधिक सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। पंचम नगर परियोजना यहाँ के किसानों के लिए समृद्धि की धारा लेकर के आई है। केन बेतवा लिंक नहर जब पानी बन जाए, जब वो सत्य बन जाएगा, हकीकत बन जाएगी, तो दमोह सहित पूरे बुंदेलखंड के लाखों किसानों का जीवन बदल जाएगा। 45,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के 10 जिलों को लाभ होगा। इससे मध्य प्रदेश के लगभग 90 लाख हेक्टर खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा। इससे 45 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा भी मिलेगी। बुंदेलखंड के अनेक जिलों में अटल भूजल योजना के तहत भी पानी का स्तर बढ़ाने का काम चल रहा है। बुंदेलखंड में 550 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं।
मैंने बुंदेलखंड की माताओं बहनों को उनके घर तक पाइप से पानी पहुंचाने की भी गारंटी दी है। बुंदेलखंड के 7 लाख से ज्यादा घरों में नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। 3 दिसंबर को फिर भाजपा सरकार बनने के बाद इस काम को और तेज किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, ये चुनाव सिर्फ विधायक चुनने के लिए नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के लिए है। खेती के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अद्भुत प्रगति की है। बिना रिफाइनरी आने वाले समय में इस क्षेत्र में उद्योगों की बल देने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। सतधरु परियोजना ने इस क्षेत्र में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिला है। अब हमें एमपी को देश के टॉप 5 औद्योगिक राज्यों में मुझे उस स्थान पर पहुंचाना है, ताकि हमारे नौजवानों को यहीं पर अधिक से अधिक रोजगार मिले। ये तभी संभव है जब यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। ये तभी संभव है जब यहाँ पूर्ण बहुमत की भाजपा की डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी। अगर यहाँ कदम कदम पर मोदी के काम को रोकने वाली सरकार होगी तो इससे एमपी पिछड़ जाएगा। इसलिए दमोह सहित पूरे बुंदेलखंड की हर सीट, हर बूथ पर कमल का फूल खिलना चाहिए। आप यहां से घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, कमल खिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, हर बूथ को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, आप दिन रात काम करेंगे। ये सभा बहुत बड़ी हो गई, दूर दूर लोग दिख रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, अब तो हो गया, बात बढ़िया हो गया, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना? पक्का हर मतदाता कार्यकर्ता बनना चाहिए, हर मतदाता कार्यकर्ता बनना चाहिए, हर मतदाता कमल का पहरेगीर बनना चाहिए, और हमें कमल को हर बूथ में जिता के आना चाहिए। जरूर करोगे काम? घर घर जाके करोगे? गांव गांव जाके करोगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? है क्यों आवाज देरी हो गई? नहीं, मेरा काम करोगे क्या? ये मेरा काम है, पर्सनल करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? जरा पीछे आरवा, सबने हाथ ऊपर किया, पक्का करोगे? अच्छा, एक काम करना, जब भी आप गांव में जाए, लोगों को मिलने जाए, जो भी मिले, जिससे भी आप मिले, उनसे कहिए कि मोदी जी दमो आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, घर घर पहुंचा देंगे, हर बुजुर्ग को मेरे प्रणाम पहुंचेंगे, हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुंचेगा, हर नौजवान को मेरी याद पहुंचेगी। मेरे साथियों, जब उनको मेरा प्रणाम पहुंचता है ना, तो मन से वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद मेरी इतनी बड़ी ताकत होती, इतनी बड़ी ताकत होती है कि मुझे देश के लिए 2400 घंटे काम करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए हर परिवार को मेरा प्रणाम पहुंचा देना। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।